अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। न्यू ब्लॉग के साथ में आज तो मैं बोली फाइनल, आज तबारुक बांट के सब खलास कर ही देंगे, क्योंकि आप लोग जैसा देख ही रहे, मुझे मेरे पास मेरे को वक्त नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लाइफ में इतनी बिजी चल पा रही थी। तो मैं भी आज ये कर दूँ, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा ग्यारहवीं शरीफ का महीना खलास भी होने आ रहा है। मुझे ग्यारह चिराग रोशन करना है और मिलाद भी रखना है, तो इसके साथ में रखो ये लेके आया पानी, तो उसके साथ में ये सब करना है। तो मेरे आज पूरा फाइनल कर ही देते करके, तो थोड़ा इधर सब खाली भी हो जाएगा, है ना। तो चलो फिर आप लोग बने रहिए, थोड़ी दिन तक क्या होता है आप लोग बताते हैं करके। फाइनली अभी हमारे चॉकलेट के पैकेट और तस्बी के और खजूर के पैकेट बन रहे हैं। पूरे दाल पैकेट में, पूरे दाल सब कलर कलर में अलग अलग चॉकलेट आ रही है, तो अच्छा लग रहा है सब मल्टी चॉकलेट करके। हमारी पैकेट ऐसी बनती है, ये तस्वीर, ये वाली तस्वीर किसको जाएगी, तो वाली तस्वीर नहीं जाएगी, वो तस्वीर किसको जाएगी, तो ये नहीं जाएगी, और जैसा जाने मास किसको जाएगा। तो हर एक तबारुक सबको मिलना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ऐसे नहीं एक ही जगह सब जाना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने जाने मास भी लाई, जिसको जाने मास जाएगा तो उसको तस्वीर जाएगी, तो किसको ऐसी नहीं जाएगी, ऐसे सब अलग अलग से, है ना। तो किसी को नाराज़गी नहीं होगी, जाने मास तो और भी लेके आती थी, मगर इतना वजन हो जाता है कि पूछो मत। फिर चलो हर टाइम तो जाते तो लेते ही आते, है ना, अल्लाह पाक की हिदायत से हर वक्त जा रही थी। हर अभी उमरा करने भी जाऊँगी तो इंशाल्लाह ताला लेके आऊँगी, चल रही जगहों पे भेजते रहे हमेशा, तो मैं लेके आते रहूँ तबारों को, सबको मैं देते रहूँ, है ना। फाइनली हमारी अनाप ब्लॉग बना रही है। अनाप बहुत फिकर सबको हुआ, मैंने देखो हमारी अनाप आ गई है। अब बोलो किसको क्या बोलने का है, तो है ना अनाप, अनाप है ना आउट ऑफ कंट्री थी, इसके लिए अनाप है ना ब्लॉग में नहीं आ रही थी, और हम लोग को बताना नहीं था कि अनाप कहाँ गई है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सर अनाप के लिए थोड़ा सस्पेंस रखेगा। और अभी देखो अनाप आ गई है, अनाप के फिर थोड़ी पढ़ाई बाकी थी ना, तो पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए अपनी थोड़ी बाहर गई थी। अरे को ये हिना लोगे ना, वो पार्लर वाले हिना लोग का भी लिखती। तो माशाल्लाह सब पूरी पैकिंग हो गई तबारुक की, और जिस जगह पहुंचाना है सारी जगह पहुंच जाएगा। कुछ भी फास्ट भी कराना है मुझे, भी फास्ट भी हो जाएगा। और आया मैंने कब से बोली बेटा भी फास्ट के लिए तू कर दे, तो आया ने अब तक किया नहीं, कि मैंने सोची आज के आज मैं निकाल लूँगी। और जैसा कि जो जो मुझे याद है, और जिसको अगर नहीं भी मिला तो माफ़ी चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला दुआ करते रहना, ऐसे जाते रहो, और आप लोग के लिए मैं लेके आते रहो। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी उमरा करने जाऊँगी, तो इंशाल्लाह ताला वहाँ से फिर मैं जमजम का पानी और जैसा वहाँ का तबरुक है वो ला के दूँगी। तो अल्लाह पाक ऐसी मेरे को हर बोलते ना
सब बड़ी बड़ी जगह की जियारत कराते रहे और मैं ऐसी तबरुक और आप लोग की भी जाने की बोलते थे अल्लाह पाक जाने की सबकी तमन्ना पूरी करे वो सब जगहों पे। और बहुत टाइम से सब सोचे आपने लाए तो कुछ भेजे नहीं क्या रही जो है मेरे जिनको मैं हमेशा से देती रिश्तेदार भी सोचे मतलब क्या करूँ वक्त ही नहीं मिला था तो आज फाइनली मैंने टाइम निकाल दी और सारों का मैंने बना के पैकेजर इधर उधर सब सारे पैकेजर बना के रख दी। और मेरे भाड़ोत लोग जितने रूम के भाड़ोत लोग रेंट पे है ये वो जो भी मेरे पवई के हैं आस पड़ोस वाले मेरे बिल्डिंग के नेबर हैं जितने सारे के लिए मैंने पैकेजें बना दी जाने बाद जिसको भेजेंगे जाने बाद मेरे रिश्तेदार जैसे है तो उनको भी पास भी कर दूँगी और जो मेरे दोस्त लोग हैं उनको भी जैसे क्या अभी समझ सकते हैं आप लोग जिससे मेरे से मेरे को तो जो जो याद है जो जो मेरे कॉन्टेक्ट में है तो उनको मैं भिजवा रही हूँ। और इंशाल्लाह ताला जिसको नहीं भेजी तो नाराज मत होना अब कोई बोलेगा मैसेज बहुत उठा आपा हमको भी तबरुक हमको भी तबरुक तो इंशाल्लाह ताला अभी जल्दी जल्दी उमरा करने भी जाने वाली हूँ तो आप लोग इंशाल्लाह ताला उमरा से भी आऊँगी तो वहाँ का भी माशाल्लाह जमजम का पानी और जो तबरुक रहेगा वहाँ से भी आपको ला के इंशाल्लाह ताला जाने वास्ते मैं हमेशा वहाँ से भी लेके आती हूँ तो ज़्यादा अगर कोशिश इंशाल्लाह ताला फरवरी में जाने का मेरा फुल प्लान है जनवरी में था फरवरी में मैं जाने का करी हूँ तो आप लोग सब लोग दुआ करना हमारा फरवरी में हो जाए जाने का है ना। और ये पूरा तबरुक जा रहा है बस अल्लाह जो जो ये जाने वास्ते नमाज पढ़ के बस नमाज भी पढ़ेगी तो मेरे को इतनी दुआ लगेगी अगर दुआ भी नहीं पढ़ कर देंगे मेरे लिए जाने वास्ते खाली नमाज ही पढ़ लेंगे तो मेरे लिए उतना हो जाएगा। और एक एक बोलते एक एक तस्वीर जिसको मैंने दी खाली एक एक दाने पे वो लोग अपनी अपनी पढ़ाई करेंगे तो वो भी मुझे बहुत बड़ा सवाब मिलेगा तो अल्लाह मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं ऐसी पढ़ने की चीज़ें ला के सबको तोहफे में दूँ तो मेरे को अल्लाह पाक और सभी को इसकी दुआ लगे। और बस दुआ ही कमाना है और कुछ ज़िंदगी में नहीं चल रहा है हर चीज़ से नवाजा है मेरे परवरदिगार ने मेरे रब्बिल आलमीन ने बस दुआ चाहिए मेरे बच्चों को हमारे को बस दुआ की ज़रूरत है और अल्लाह बस दुआओं से हमारा घर भरे और अल्लाह का एहसान है मेरे परवरदिगार का एहसान है रब्बिल आलमीन का एहसान है कि हर चीज़ से मेरे अल्लाह ने गफूर रहीम ने नवाजा है मेरे परवरदिगार ने नवाजा है जितना अल्लाह का एहसान वो करे बोलेंगे उतना कम है जितना बोलेंगे उतना अरबों खरबों बार भी बोले तो जितना जैसे मतलब अरबों पैसा है अरबों कहते हैं लाखों करोड़ों पैसे जैसा करोड़ों अरबों एहसान भी अल्लाह का मानेंगे ना तो बहुत बोले तो बहुत कम है तो अल्लाह ने हर एक नियामत से नवाजा है मेरे रब्बिल आलमीन मेरे अल्लाह का बोलते हैं परवरदिगार पहला तो ये ऐसा नहीं कि हमको हाथ पाँव आँख पैर हर बीमारी से बचा के रखा है और बाकी दूसरे इतने अच्छे नेक बच्चे नेक आदमी नेक फैमिली नेक माँ बाप वो भी हर एक परेशानी हर मुश्किल से आसान और आज तक हमारे सर पे हमारे माँ बाप और हमेशा भी रहे परवरदिगार और पूरे खानदान के साथ में रखा है सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरा सारी दुनिया की चीज़ें नियामत दे दिया सबसे बड़ी बात अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है रब्बिल आलमीन परवरदिगार अरबों खरबों बार भी अल्लाह का एहसान बोले तो कम है पैसे तो छोड़ो ये दुनिया में आते ही जाते थे ये तो ऐसा बोलते नहीं माइल है माइल इसको ये मायने नहीं रखता है बस अल्लाह का एहसान है बस मैं बोलती अल्लाह तेरा एहसान हमेशा रखना मेरे परवरदिगार तेरा मोहताज हमेशा हमारे को रखना बस इस तेरा मोहताज रखना मेरे रब्बिल आलमीन क़िबले की तरफ मुड़ अल्लाह तेरा मोहताज हमेशा और हमेशा ना यह हाथ ना हमेशा ऐसा देने वाला बनाए किसी से ना परवरदिगार लेने वाला और कभी किसी से छीनने वाला किसी से कभी कोई नाजायज लेने वाला नहीं बनाए मेरे रब्बिल आलमीन हमेशा से बचपन से यही आदत है कि सबको देने वाला और सब पे रहम करने वाला बनाए यही हमारा दिल ऐसी रहे और हमारे बच्चों की भी हम ये करते हैं उसको भी अल्लाह पाक ऐसी सीख दे और हमारे जैसा ही मन बनाए रब्बिल आलमीन बस अल्लाह से यही दुआ करते हैं। और इसके साथ ही आप लोग भी दुआ करना हमेशा हमारे को ऐसे रखें और आपको भी ऐसे ही रखें परवरदिगार हम सबके लिए दुआ करते हैं सारे इतना हर एक के लिए दुआ करते हैं रब्बिल आलमीन चलो तो दुआओं की दरकार से दुआओं में याद रखो मिलती हूँ बाद में अभी मुझे बहुत सारा काम है और दो दिन में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ है ना तो चलो आप बने रहिए करके देखो अभी भी साफ सफाई चालू मेरे तब तक खाना नहीं खाई हूँ अध मरी हो गई हूँ इससे आप लोग खाए ना खाना तुम लोग हाँ खाई ना मैंने हाँ तो अभी हमारी साफ सफाई चालू ही छे मैं तो अभी नमाज उनसे निकल के बाकी छे और सैदाबा का तो माशाल्लाह ये साइड का हल्का हो गया अभी ये साइड का हल्का बाकी है और काजू कतरी मस्त साफ हो रही है जिसे कि अपनी काजू कतरी बोलते हैं अपनी इसको और माशाल्लाह जब हमारी ये काजू कतरी साफ होती है ना इसका कलर आप देख सकते हो माशाल्लाह ये कलर समय कलर कर पेंट करके कितना टाइम हुआ रहेगा 3-4 साल हो गया ना
तीन चार साल भी हाँ, तो माशाल्लाह कलर अभी भी आप देख सकते हो इसके अंदर, मतलब कितना प्यारी ग्लोसी आती है। मतलब खाली कपड़े साफ कर दो घसके ना तो एकदम प्यारा दिखता है, ये देख सकते हो। और अपनी सईदापा की सफाई में मतलब कोई हाथ नहीं, रगड़ रगड़ के साफ करो। तो सईदापा मालूम ना इसी, अभी बटन वटन को भी ये साफ करना बाकी है। मैंने नूरी को बोली थी इस पर कॉलिंग मार के रख थोड़ा, तो नूरी आपा थोड़ा एडवांस ज़्यादा है ना, तो नूरी आपा ने सुने नहीं, तो जरा कॉलिंग था अंदर से। तो नूरी आपा कर रहे मेरा खान सही था, बारी बारी किले देखना, और किले इसलिए है क्योंकि जैसा कि हम लोग हमेशा डेकोरेशन वेकोरेशन करवाते घर का, जैसे फूल वूल से सजाते तो फूल वाला सब बारीक बारीक मोची किले मार के जाता है, तो इसीलिए बारीक किले रखना। तो वो करके और मैं इस पर थोड़ा कॉलिंग मार देती हूँ, तो सीधा पर पूरा अच्छे से साफ कर देंगे, कॉलिंग मार लग के रख देंगे ना तो अच्छे से फिर ये निकल जाता है। और बिना कॉलिंग के निकाली वाला डालते, अरे तुम्हारे हाथों को माफ करो, रगड़ रगड़ के साफ करो, जब भी तो बोलती हूँ मैं तुम्हारे हाथों को। इसको भी कॉल है, इसको भी फोन अच्छे से पूछ के ले। ये क्या इसमें तो लिखा रहा है पुचुर पुचुर, क्या हो रही है? हाँ ये तो क्या है, वो सफेद सफेद है वो न। अरे कल तुमने मेरा बांधने का कपड़ा कितना है, पहली बार मैं घस के सफेद किया यार, जो मैं गई थी बंगलेश्वर पहन के आधा घंटा। कपड़े सफेद ही मैंने तुम कर देते, पूरा सफेद कर दिए नया जोड़े को मेरे, बाप रे बाप। और ये कैंडल भी देखो क्या जलाई थी माशाल्लाह, अरे घाई घाई मैंने इसका कलर देखा, आउच ये ना इसका गोल्डन क्या करते करते सिल्वर से चलती गाड़ी है। और बिचारी के वजह से मैंने किसका नुकसान नहीं हो जाए, बिचारी गाड़ी के धक्का वक्का दे, मुझे अच्छा ही लग रहा माशाल्लाह। ये मैं कल जलाऊंगी, सब सब हो जाएगा ना। तो अभी ये सैदापा के हिसाब से वो सारे मोची किले मारे हुए हैं। और ये ना ये थोड़ा ना इसके ऊपर ये लगा, ये जो आया था ना जब भी वो करने आता है ना, क्या बोलती है बुक लाइट वो क्या बोलते फूल से सजाने, तो इतना सारा ना वो लगा देता है जो होता गम वम ना सब करके, तो इसका तो क्या गया नहीं, कुछ जाता नहीं, स्पर्श से लाता धप करके, तो इसके ऊपर ये निशान लगा दिया मेरे खाते कितना क्या क्या लगा रही। वो क्या बोलते जी गम को क्या बोलते वो लोग, ग्लो ग्लो, हाँ ऐसा लगाया ऐसा उस पर जाता कपड़ा धोने बर्तन धोने का, ऐसा लाते ना बुफे लगते घप 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 तीन लगाते थे, इधर इधर दिशा ले निकलता ही नहीं। अभी इसको वो मेरा कारपेंटर आएगा ना उसको ही बोलती हूँ निकालने के लिए। और अभी नमाज में तो माशाल्लाह इतना साफ हुआ है, अभी कल थोड़ा और साफ करने का है, कल अभी थोड़ा सा बाकी है जो हम कल करेंगे। जब आप देखना माशाल्लाह बहुत अलग बहुत प्यारा, मतलब माशाल्लाह नमाज में कैसा रखती हूँ और कैसा करती कुछ रहता है तो देखना कल नहीं मतलब परसों के लिए। हाँ हम लोग करने लगे, इसलिए मैंने आज पूरा तबरुक पूरा ये कर दी और जगह पूरे डब्बे डब्बे भी हटाई फिलहाल। और थोड़े दिन में तो मेरा नमाज में तो आप लोग एकदम माशाल्लाह देखने के लायक का होने वाला है इंशाल्लाह ताला, कुछ अलग अलग लुक होने वाला है एकदम, मैंने सोच के रखी हूँ। मगर मुझे वैसा कारीगर मिलेगा जब भी मैं इसको छेड़ूंगी, नहीं तो जब तक नहीं, देखिए मेरा बहुत खूबसूरत माशाल्लाह नमाज रूम है, आप लोग को पता ही है जैसा क्या इबादत रूम हमारा। तो जब मेरा वो कारीगर जब अच्छा मिलेगा ना उसके बाद ही मतलब मैं किसी के हाथ में दूंगी। तो मैंने दो तीन लोगों को बोल के बाल के वो मैं उसके बाद ही ये करने वाली हूँ। और मैं कुछ ये खिड़की भी बंद करने वाली यहाँ की जो है, क्योंकि कुछ मतलब नहीं है इस तरह का देखना दिखाना, तो मेरे पूरी ये बंद करके इधर मैं कुछ अलग से ही करने वाली हूँ, तो जब मैं आपको बताऊंगी एकदम से प्यारा। जब नमाज वमाज़ स्टार्ट करेंगे ना, जब खाली आप लोग को दिखेगा और इंशाल्लाह पूरा जब खलास होएगा ना, जब पूरा हो जाएगा जब भी दिखाऊंगा, तो बीच में तो ज़रा भी नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को कुछ भी, एकदम नमाज होगा ना सरप्राइज रहेगा इंशाल्लाह ताला। जितना मैं घर को नहीं सजाऊंगी इतना मेरा ये नमाज में सजेगा इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मुझे अभी मैं नहीं बता सकती क्या फीलिंग है ये रूम से मेरी है ना करके, तो इसीलिए और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब मैं इसके बाद भी जो घर लूँ तो मुझे ऐसा मिले क्या मुझे इबादत रूम के साथ में ही मिले, तो 3-4 BHK का जो भी मिले, मगर है ना थोड़ा उसको हल्का कर रही हूँ। तुम क्या याद दिलाते रहो ना मैं किधर गंदा है, तो दाग कैसे चलते फिरते रहते ना इधर से, तो फिर लगते रहता है ना। तो फाइनली आज हम लोग बना रहे हैं सिंपल और सोबर फ्लावर
मटर आलू, ये भाजी तो आप लोगों को पता है जैसे कि मेरी फेवरेट ही है और तुम्हारे हाथ से अच्छी बनती है। हाँ, और क्या पता है ये भाजी कोई भी बनाता है तो वैसे टेस्ट आता ही नहीं जैसा मैं बनाती हूँ। तो मैंने नूरी को बोली नूरी तो सब ये काट कूट के रख दे, मैं भाजी बनाऊँगी करके। परसों भी नूरी ने बनाई थी और क्या पता मेरे को ना मेरे हाथ की भाजी बहुत ज़बरदस्त लगती है करके। कैसी दर है ना कहें तो आज ना खाने का ना रोज ना दिल भर गया है बस, और तबीयत भी आजकल कुछ अच्छी रहती नहीं है तो मन भी नहीं होता कि क्या बनाओ क्या खाओ। अभी कल भी मच्छी बनाए थे तो रात में तो इतने इससे मच्छी कड़ी बनाए थे, खाई नहीं रहती और मैंने तो खाई भी नहीं थी। अभी शाम में थोड़ा सा नदी ने दी मेरे को। आजकल तो दोपहर का खाना ही मेरा 6-6 बजे हो जाता है, कभी कभी तो 7-7 बजे भी जबरदस्ती करते तो खा लेती हूँ, तो रात को भी नहीं खाती। तो आज मैं बोली अभी कुछ नहीं, और घर में तो बेचारे ऐसा कुछ है नहीं, समीर को भी नॉन वेज ही चाहिए कि ऐसा कुछ चाहिए, वो लोग तो बेचारे जो मैं बना दूँगी खा लेते, और में भी जिद करता नहीं है कि ये चाहिए वो चाहिए। मैंने अभी भाजी बनाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में मेरे को जाना है तो जैसे कि फ्लावर में मेरे हिसाब से मैं ऐसा बनाती हूँ। ये देखिए फ्लावर मटर आलू कोटमीर रख दिए, इसमें खाली लहसुन और मिर्ची पीस के, एक हरी मिर्ची वो भी पिक के लिए आती ना वो मिर्ची और लहसुन, अदरक तो डालती नहीं कोई भी भाजी में, ज़्यादा करके डालते ही नहीं अदरक। और ये मैगी मसाला, धनिया पाउडर और ये कश्मीरी मिर्ची और हल्दी पाउडर बस। और ये मेरा टमाटर, और टमाटर ऐसा बड़ा बड़ा ही काट के डालूँगी तो उसकी ज़्यादा ऐसा चूर चूर नहीं करूँगी। और ये भाजी में ज़्यादा हिलाती भी नहीं हूँ तो मैं अपने इसमें इसको गलने देती हूँ एकदम स्लो पे, और इसके साथ ही टमाटर भी गल जाएगा। तो ये भाजी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, भाजियों में मुझे मतलब बहुत कम भाजी पसंद है, जैसे कि भिंडी हो गई, भिंडी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। परसों तक भिंडी बनी थी, हमने खाना खाई थी, नहीं खाना खाने के लिए जल्दी खा ली थी, जिन्हें आया अदनान का ऑपरेशन था तो मुझे भिंडी अक्खा नहीं खाना नहीं खाई थी। कुछ चिल्ला रही वो कुछ हो फंक्शन है तो फिर अदनान का ऑपरेशन था तो उसमें खाना नहीं खाई थी। रात को डॉक्टर 11:30 बजे आने वाले थे तो हम घर आए थे वापस से, ऑपरेशन के लिए वापस जाना था। तो फिर मैंने आके भिंडी एक रोटी खाने के बजाय मैंने भाई 2 रोटी खा ली थी भिंडी थी करके। तो भिंडी मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे भिंडी और गरम चावल भी बहुत ज़्यादा पसंद है जैसा, और ये भाजी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सर 1-2-3 भाजी मैं बहुत शौक से खाती हूँ, और हाँ मूँग मटकी भी, और कच्ची पक्की वाली जो होती है ना वाली बहुत पसंद है। और एक फ्लावर बंद गोभी भी होती है ना, मैं अपने हाथ से बनाऊँगी ना तो वो भी गरम चावल के साथ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कितना टाइम हो गया मैंने बनाई नहीं। तो कुछ कुछ भाजी मैं खाती हूँ, मैं बहुत अलग तरीके की खाती हूँ। तो ये देखो अभी हमारी सब्ज़ी बन रही है, चलो बनने के बाद आप सबसे मिलते। तो फाइनली देखो मैंने पहला मेरा कांदा लाल हो चुका, तो मैंने सब्ज़ी डाल के पूरा अच्छे से इसको भून ली थोड़ा सब्ज़ी को। उसके बाद भी मैंने सारा मसाला मैंने डाली, जैसा कि आपको बताई थी मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मैगी मसाला। और इसके बाद में देखो सब्ज़ी अभी माशाल्लाह अभी तो मसाला ऊपर से मैंने डाली हूँ, अभी थोड़ा अच्छे से पूरी भुने जाएंगी और उसको ढक्कन आपको थोड़ा रख दूँगी। अगर टमाटर भी देखो मैंने भूनी आप पक्के रहेंगे, उसके बाद में खुद टमाटर गल जाएंगे अपने आप ही। मेरी सब्ज़ी आप देख सकते हैं, आलू गोभी ऐसा ही बोल सकते हैं, आलू गोभी मटर आलू और मटर 400 रुपया, हाँ 400 रुपया किलो मटर है बताओ, 100 रुपया पाव किलो। मेरे को परसों वही बोले भाजी लाई थी ना मटर बोले 400 में, अभी क्या करेंगे भाई खाना तो पड़ेगा ही ना। मैं अपना कौन सा 1 किलो लग रहा है बाबा, 4 पाव किलो अपने लोग को हो जाता है ना एक बार की सब्जी बनती है। तो लेके आ जा, समीर को पसंद है मटर, मुझे पसंद है ऐसा तो मटर, ऐसा कोई भी सब्जी का थोड़ा डाल नहीं गया, 1 पाव किलो इतना बस हो जाता है। ये 1.5 किलो से भी कर डाली। और ये हमारी सब्जी का कलर कैसा है आप लोग बताना। और ये मरियम की आलू गोभी की सब्जी है ना सर, टिक्की दाल भी बहुत अच्छी लगती थी मगर क्या करेगी इतना कुटानगिरी करके खाएगा कौन। सही बोल रही हूं, खाने वाले भी तो चाहिए ना कोई। और ये हमने नमक अभी चेक करते, नमक मैंने डाली कैसे सही, मैंने हल्का सा ही डाली थी। और ये हमारा है पिंक नमक, जिसके मैंने पिंक कपड़ा पहने हूँ, पिंक सॉल्ट है नाटक वाले सब आजकल निकले, अमक नमक तो पहले सफ़ेद नमक चलता था। हाँ पहले
एक ही नमक चलता था और ऑलरेडी लोगों के पैसे जैसे आ गए तो चूचले वैसे हो गए, चूचलों के साथ जीना पड़ता है। नमक जरा देखी थोड़ा कम, तो हमारा पिंक 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 दाइट वाला नमक, वो नमक शमक डाल देते, नमक शमक डालते हैं और थोड़े टाइम के बाद फिर चेक करते हैं। ये क्या मालूम क्या आवाज इतनी बुरी बुरी आ रही बाबा यहाँ से, खिड़की बंद है फिर भी वो खोली मैंने। अच्छा खोले अभी तो, चलो फिर आपसे मिलते। देख सकते हो माशाल्लाह हमारी भाजी एकदम मस्त एक नंबर हो चुकी है। और आप लोग बताना कमेंट में आप लोगों को कैसी लगी हमारी सब्जी, सिंपल और सोबर। अब बोले भाजी बताने की चीज़ें तो आप लोग बोलते हैं मरियम शेख आपकी सारी रेसिपी हमको अच्छी लगती है, तो इसीलिए हम सब्जी बता रहे हैं आपको, जो सब्जी बनाए तो सब्जी बताएंगे, है ना। तो फाइनली और इसमें ज़्यादा चम्मच और क्या बोलते स्पून, इंग्लिश में स्पून, हिंदी में चम्मच और कौन सा दूसरे भाषा में क्या बोलेंगे, ये सब ज़्यादा नहीं हिलाने का, नहीं तो भाजी क्या होता है टूट जाती है। तो देखो फ्लावर इधर देखा है, फ्लावर देख सकते हैं आप लोग कितने मस्त अखटती है। तो हम लोग को ज़्यादा चम्मच नहीं, जैसे ज़्यादा चम्मच हिलाने से तो भाजी पूरी ख़राब हो जाती है, और सब्जी में कभी भी ज़्यादा चम्मच हिलाना भी नहीं चाहिए। तो माशाल्लाह एक नंबर बनी है, और आप लोगों को भी कैसी लगी ज़रा बताना ज़रूर। और इसके साथ में ये नूरी ने देखो माशाल्लाह हमारा चाय का तपेला, ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे आप लोग बताए तांबे के तपेले, नवेला है तांबे के तपेले में चाय बनती है हमारी। तो आप मुझे कम देखो, तांबे के तपेले को ज़्यादा देखो, और तांबे के तपेले हमारे ज़माने से चाय बनती है। और नूरी ने कल ना ये तो खाना बना नहीं है, मगर ये पीतल वाले में तारे घसी और उसको देखो कितना ही बेचारा घस के रखता, नहीं बेचारी ने घसी है सब, और घस के रखो उसके अंदर दाग आ जाते हैं, मगर दो दिन में खाना भी नहीं बने ना, तो इसके ऊपर दाग आ चुकी है ना। तो कल ही मुझे सारे तपेले घस रही थी तो मैंने देखी, तो मैंने बेचारी मेहनत की तो बताना ज़रूरी है, उसने तो बेचारे बताया कि मगर अभी वो चलेंगे तो तांबे वाला है। और मेरे पवई के रूम में जैसे मैंने आपको पहले भी शायद बताई रहेगी और बताऊँगी भी, छोटा तपेला था जो कि हमने अकेले छोटा शाम में चाय पीती, तो थोड़ी सी चाय में शाम में बनाती सुबह बनाती थी। तो मेरा वहाँ भी तपेला है तांबे, नाटक के अलग अलग तांबे का तपेला, जर्मन के तपेले, ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा पसंद है, नॉनस्टिक के बर्तन कुछ अलग से। तो चलो अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, अभी हॉस्पिटल जाना है मुझे, आज समीर बैठे हैं तो मैं और रयान जाके आते हैं हॉस्पिटल। तो डॉक्टर आके गए, समीर की बात हो गई डॉक्टर से करके, तो भाभी का फ़ोन आया था मैं आती हूँ। तो खाना वाना तो मैं हॉस्पिटल लेके नहीं जा रही हूँ, तो झूठ बोल के आपको बताया फलती झूठे बातें तो मुझे आती नहीं है, जो मेरा बच्चा अदनान तो कुछ खाना खा रहा ही नहीं है, डॉक्टर ने तो मना ही किया अभी भी तो खाना खाने, जब अदनान खाना खाएगा तो जब मैं खाना लेके जाऊंगी मेरी भाभी के लिए, तो मम्मी के यहाँ से खाना वाना सब आ जाता है, मम्मी बना के लेके, हाँ जब मेरा बच्चा खाएगा तो मैं खुद खाना बना के लेके जाऊंगी, और दूसरे का खाना ही मैं सद्दाम ऐसे भेजूंगी, वो खुद खाना खाएगा तो खुद बोलेगा अम्मी ये बना के भेजो वो बना के भेजो, नहीं क्या समीर? हाँ मैं तो मेरी भाभी के लिए खाना वाना नहीं बना के लेके गई, क्योंकि अम्मी के यहाँ से खाना वाना सब आता है रात का भी, और बेचारे उसको मैं इतना सब खाना खाते, जो माँ का बच्चा बीमार रहेगा तो माँ से खाना खाई जाएगा क्या पहली बात तो, हाँ। तो चलो अभी जरा मैं जाके मुँह भी धो लेती हूँ, क्योंकि आजकल मैं अपने ऊपर ध्यान जरा भी नहीं दे पा रही हूँ, कितने दिन से तो मैं क्या बोलूँ आप लोग को, टाइम इतना टाइम हो गया मुझे लगता फेशियल और ब्लीच भी नहीं कराई होगी, काफ़ी टाइम हो गया है करके, एक एब्रेज बना लेती तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अरे यार ये इतना लाइट चालू कर दिया, तो मुँह धो लेती हूँ हाँ। और आप लोग बोलते रहे इतना बड़ा चश्मा बना तो क्या करेंगे, आँख से अंधे हैं तो चश्मा लगाना पड़ता ना यार। चलो अभी मिलती हूँ आपसे एक सेकेंड, निकल जा रही तो ये तबरुक लेके जा रही मैं, क्योंकि हॉस्पिटल सब बच्चियाँ सब मेरे फॉलोअर भी है, पहचानते भी मुझे, और सारी मतलब मुस्लिम लोग भी है उधर, तो ये जो ICU में है जो कल मेरे से बात कर रहे थे उनके लिए जा रही हूँ, और ये हमारे जो डॉक्टर है क्या नाम उनका, सुफियान डॉक्टर के लिए मैं लिखी जा रही है, जो मेन हमारे डॉक्टर है, और ये सब जितनी भी लड़की लोग हैं उधर काउंटर पे नर्स लोग हैं वो लोग ले जा रही तबरुक, क्योंकि सारी लड़कियाँ भी पहचानते हैं, और पहले से आती हुई दानिश का भी जो एक्सीडेंट हुआ था ऑपरेशन हुआ था वहीं हुआ था करके, और ये लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, मैं डिपिटा का है सुनो
पिंकू 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 चश्मा आ रही हूँ हॉस्पिटल। वहाँ से आती पहले मैं हॉस्पिटल जाने का थोड़ा लक्की में चली जाती हूँ क्योंकि कल है भाव बीच है ना भाव पाल ना सुनो अपनी भाषा में अलग बोलती हूँ। क्या करने जा रही क्योंकि जैसा रक्षाबंधन में भाई बहन लोग को भाई लोग देते है बहन लोग भी अपने भाई लोग को दे सकते है तो मेरा एक भाई है बेचारा तो वो तो मैं ओपन नहीं करूँगी कौन भाई है और किसको मैं क्या भेजती क्योंकि मैं इसे बताती नहीं हूँ। उनके लिए मुझे कुछ लेना है तो मैं जाती हूँ लक्की में से फटाफट ले लेती हूँ नहीं तो क्या होगा लक्की बंद हो जाएगा कल मुझे जाने का टाइम नहीं मिलेगा। जैसे कि कल संडे भी मुझे मेरे पास काम भी है और एक मेरे बिल्डिंग में भी एक मेरे नेबर है जो मेरे उन भाई से उनको भी कुछ देना है तो चलो उन दोनों के लिए मैं ले लेती जाती है ना सुनो और मेरी गाड़ी मेरा घूम फिर के मैं आते आते भी लेट होगा तो कोई परवाह नहीं मगर चीज़ें मेरी आ जाएगी है ना तो मैं वो भाई को मेरे वीफास से भेज दूँगी। जा तो नहीं सकती मैं कल मुझे टाइम नहीं मेरे पास में थोड़ा बिजी चल रही हूँ तो चल आजकल वीफास निकल रहा हूँ आज भी मैंने वीफास से थोड़ा सामान भी भेज दिया कल भी भेजूँगी करके। अब मैं घर की चप्पल नहीं पहन के चली जाऊँ भाई गाई में मुझे देना था तो मैं ये वाला भी एक ले रही हूँ मेरे को भाई को देना है तो ये एक वाला ले दिया ना वो एक तो गिफ्ट पैक हो गया मेरा अभी ये वाला गिफ्ट पैक है ना तो ये वाला लेना और ये वाला भाई ये वाला ये अच्छा लग रहा है ना ओह माय गॉड पैसे की बात नहीं आ रही है हाँ ये के सब चीज बच्चों की चीजें भी आती है बच्चे भी है ना उनकी यही देता हूँ बच्चे का आटा मखाना और क्या क्या इसमें इसमें मखाना है दो तरीके का कुकीज है हाँ जूस है चॉकलेट है अच्छा अच्छा एंड कौन सा लेने का या ले लो हैम्पर लो हैम्पर ये वैसे न्यूट्रेला वाला नहीं है सब आया था किए और अयन भी अच्छा लगा है ना तो चलो भाई ये पैक कर दो जल्दी जल्दी कर दो लेने का नहीं ना और वो अपने घर वो ले मेरा एनएसएल ले ले है तो और था फ्रिज में कितना था दो तीन थे तो बड़ा है मजाक बुक कर देखा नहीं था मैं बोल बोलो मम बोल दुआ करो तो फाइनली हम लोग आए हॉस्पिटल में और ये सब बच्चे लोग भी मेरे फैन है ना इसके इसके एक सेपरेट निकाल लो तुम्हारे साथ में ऐसे हॉस्पिटल से रहा ना चलेगा ना उसको दे वो कर देना बेस्टा बहुत अच्छा है माशाल्लाह थैंक यू मरिया मापा आधा वगैरह आप भी बीमार रहेगा तो आधा ये लोग से मिल के अच्छा हो जाएगा। मरिया मापा के लिए दुआ करो अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे और जो जो होटल में मेरी बहन मिलने आएगी ऑपरेशन थिएटर से निकले हैं सब दुआ करो मेरे बच्चे के लिए मैंने अभी बात कही बच्चे जवान हो गए तो चलो अभी फाइनली जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर उधर ही आज भी सुबह किसका ऑपरेशन है क्या कहेगा ऑपरेशन उनका अच्छा वही वो बोला करके ये बोली शायद वो पेशेंट भी रहती है ना जो दूसरे चाचा उनकी तबियत अच्छी है अभी अच्छी अंकल शिफ्ट में नीचे अच्छा अच्छा और बहुत टाइम हो गया सभी को भी कॉल आ रहा है क्योंकि खाना वाना देना है सब बैठे दिख रही है अनीता भी तो दिख रही है।
हार जोर की। आज तो बहुत सारे पेशेंट आए बेचारे, मौलाना लोग भी बैठे, कुछ हमारे बाजू वाले लोग भी। आज तो हमारे फिल्टर के भी बहुत आए थे, जो कि अभी एक का एडमिशन हुआ है। और तो हमारे दुकान लगाए जैसे पार्किंग में गाड़ी लगा लिया, बहुत सारे सुल्तान का भी लगा लिया। हमारा सुल्तान का आया नहीं करती उसको फोन, मेडिकल भी चालू है। अल्लाह बहुत शुक्रिया है। सूखे 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 पानी लो, फाइनली हम लोग हॉस्पिटल से निकल चुके हैं। और एन ब्लॉगिंग करता है तो एन थोड़ा थोड़ा रुक जाता है, स्लो स्लो। मेरी खाली मेरी थोड़ी देर से रुकने की देर है, तो एन पहले मेरे से पहले मतलब बटन करके दबा देता है ना। आज बेचारा मेरा बच्चा वगैरह ना अदनान ऐसा नर्वस होके देखता है ना मेरे को, अच्छा मेरे को ना दवाखाना जाती ना तो उसको देखती ना बहुत नर्वस फील होता है। ऐसा लगता है वो ना बेचारा बेवस बेवस जैसा पड़ा है। बेवस बोला तो मतलब जैसे नहीं लाचार होता है, कुछ कर नहीं सकते, नली नाक में नली पेट के अंदर इधर। तो मैं हॉस्पिटल आती मुझे और ज़्यादा बुरा लगता है। जैसे उसकी खबर घर से पूछती ना तो अच्छा देखती हूँ ना सामने तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ऐसा लग रहा बच्चा मेरा कब अच्छा होए, कब खाए पिए कसम से। आज थोड़ा डॉक्टर ने मगर बोले थे थोड़ा सा उसको चलने के लिए, मगर थोड़ा दो चार कदम चला ना तो उसको चक्कर राइस जैसा होने लगा। तो उसको फिर मामा को, मामा ने उसके बाप ने उसको लिटा दिए। और सब लोग दुआ कर रहे माशाल्लाह, सिस्टर लोग सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। और सब लोग बोले अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। और उसको रिलीफ भी मिल रहा है, बोलते जल्दी रिकवर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बस आप लोग दुआ करना, सब लोग दुआ कर रहे, मैं देख रही हूँ सबके कमेंट भी पढ़ी, इंशाल्लाह ताला मैं सबका जवाब दूंगी। आप लोग ये नहीं सोचना कि आप लोग सब लोग दुआ करें तो मैं मरियम शेख बता मतलब देख रही कि नहीं, देख रही हूँ। बस सिर्फ खाली दुआ करना, आप लोग की दुआ की सख्त ज़रूरत है। और माशाल्लाह हम लोग भी दुआ कर रहे हैं। और हमने तो उसकी जब ऑपरेशन में आए थे करीमा भी कराई थी, क्योंकि हमारे तब पढ़ाई पहले होती कोई भी चीज़ में। और उसके बाद में उसकी माँ बेचारी बैठी अखा दिन पढ़ते ही बैठी रहती है, और सबसे ज़्यादा तो माँ की दुआ लगती है ना। तो जाहिर सी बात है इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक उसको उससे जल्दी से बोलते नहीं हटा देगा तबीयत ख़राब से। बस आप लोग भी दुआ करना बच्चे के लिए। आप लोगों को ब्लॉग पसंद आता तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाने का मत भूलो। और आप लोग का प्यार तो हमेशा मुझे सुख दुख में हर टाइम पे प्यार मिलता है। और ज़िंदगी में तो देखो जैसा सुख आते तो दुख भी आते रहते, हर चीज़ को इंसान ही झेल सकता है, और इंसान को अल्लाह ने बनाया इसीलिए है ना। खाली मजबूती से अपने को खड़े रहना है बस। और अपने रिश्तेदार कोई भी बीमार है, अपनी फैमिली का, हमारे घर का बच्चा कोई भी बीमार है, तब तक उनको कांधे को कांधा लगा खड़े रहेंगे तो बीमारी मालूम भी नहीं पड़ती, आराम से रहे बाबा भैया तो मालूम भी नहीं पड़ती है। तो ऐसी अपनी फैमिली के साथ आप लोग भी हमेशा जुड़े रहो, जो भी है अपने फैमिली को हमेशा सपोर्ट करो, तो फैमिली को बहुत सपोर्ट और सहारा मिलता है, एक प्यार और एक सपोर्ट मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ यही है ज़िंदगी में इंसानियत। तो आप लोग भी ऐसी जुड़े रहो, अल्लाह सबकी इस फैमिली में अल्लाह पाक बोलते हैं सुख और शांति दे रब्बिल आलमीन। और दुआओं की दरकार से दुआओं में याद रखो, आगे सद्दम भाई करके, हाँ मतलब वही सिग्नल है आगे लेफ्ट से सिग्नल के अंदर लेफ्ट से हाँ करके। तो चलो दुआओं की दरकार से दुआओं में याद रखो, मिलते फिर इंशाल्लाह कल जिंदगी रही तो है ना।